जय हिंद दोस्तों। दोस्तों यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पर्यायवाची शब्द, और ये पर्यायवाची शब्द आपकी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो इस वीडियो से मैं आपको 2 नंबर पक्का कराने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। और दोस्तों यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं और आपको किन्हीं 2 के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों। कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो आज मैं 2 नंबर बहुत ही आसान तरीके से तैयार करा दूंगा, क्योंकि आज मैं जो लेकर आया हूँ पर्यायवाची शब्द, ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों जो इस प्रश्न के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनका भी मैंने पर्यायवाची शब्द लिखा है और आपको सबसे आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो को। दोस्तों पर्यायवाची शब्द महत्वपूर्ण होते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों सबसे पहला है अमृत, और अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधा और पीयूष। दोस्तों अगला पर्यायवाची है अग्नि। अग्नि को आप किस नाम से और जान सकते हैं? अग्नि को आग भी कहा जाता है और ज्वाला भी कहा जाता है। अगला शब्द है दोस्तों अश्व, और अश्व का पर्यायवाची हो जाएगा घोड़ा। और सबसे आसान मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है घोटक। घोड़ा घोटक किसका पर्यायवाची शब्द है? अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों आकाश। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नभ गगन। क्या हो जाएगा दोस्तों? नभ और गगन। अगला है आँख। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नेत्र और नयन। यहाँ पर आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं नेत्र नयन किसका पर्यायवाची शब्द है? आँख का पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा देवेंद्र और देवराज। देवेंद्र और देवराज। अगला शब्द है दोस्तों कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जलज और पंकज। जलज पंकज किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर सबसे सरल पर्यायवाची शब्दों को लिखने का प्रयास किया है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और दोस्तों अगला है कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कपड़ा को वस्त्र भी कहा जाता है और वसन भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों गंगा। गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? देव नदी, देवताओं की नदी है। और क्या है दोस्तों? भागीरथी, क्योंकि भागीरथ जी ने ही गंगा का अवतरण कराया था। अगला है गाय। अगला क्या है दोस्तों? गाय। गाय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गौ और धेनु। गौ और धेनु। अगला है घर। घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सदन और भवन। सदन और भवन किसके पर्यायवाची हैं? घर के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? शशि शशांक। शशि और शशांक किसके पर्यायवाची शब्द हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों जंगल। जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वन विपिन। वन और विपिन किसका पर्यायवाची शब्द है? जंगल का पर्यायवाची शब्द है। अगला दोस्तों है मोस्ट इम्पोर्टेंट जल। जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पानी नीर। पानी और नीर किसके पर्यायवाची शब्द हैं? जल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों तालाब। तालाब का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सर सरोवर। सर और सरोवर तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है दोस्तों नदी। नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सरिता तटिनी। और क्या हो जाएगा दोस्तों? तटिनी। अगला है दोस्तों रात। रात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रात का हो जाएगा रात्रि और रजनी। रात्रि और रजनी किसके पर्यायवाची हैं? रात के पर्यायवाची हैं। अगला दोस्तों है पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खग और नभचर। खग और नभचर किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? पक्षी के पर्यायवाची हैं। अगला है दोस्तों पर्वत।
पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गिरी पहाड़। क्या हो जाएगा? गिरी पहाड़ किसके पर्यायवाची हैं? पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पाहन पाषाण। पाहन और पाषाण किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? भूमि और धरती। भूमि और धरती किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पृथ्वी के। अगला है दोस्तों फूल। फूल के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? पुष्प और सुमन। पुष्प और सुमन किसके पर्यायवाची हैं? फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? बादल के पर्यायवाची शब्द हैं मेघ और जलद। मेघ और जलद किसके हैं पर्यायवाची शब्द दोस्तों? बादल के। अगला है दोस्तों माता। माता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? माँ और जननी। माँ और जननी किसके पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों? माता के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है दोस्तों वन। वन का मैंने बता दिया है कि वन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विपिन और जंगल। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। अगले वीडियो में मैं आपको जो अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं उनको भी आसान तरीके से लिख कर आसान तरीके से याद करने का तरीका बता दूंगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से करते रहिए।